नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SRSIT के जमीरट में। मैं अमित पवार आपका स्वागत करता हूँ। BBA सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की यूनिट 4 से टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे देखते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग होता क्या है। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय अ फाइनल बट बेस्ट चॉइस इज मेड अमंग द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। इसमें क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं और ग्रुप के द्वारा जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो सॉल्यूशन के रूप में आए हैं, सॉल्यूशन के लिए आए हैं, उसमें जो सबसे बेस्ट अल्टरनेट है उसको यहाँ पे चूज़ किया जाता है। ओके, फिर इसके हम बाद हम देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग के जो टाइप्स हैं वो क्या है। सबसे पहला है इसमें कंसेंसस मोड। इसमें क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप के वो किसी एक पॉइंट पर आकर अपनी सहमति देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंसेंसस मोड। और नेक्स्ट इसमें मेजोरिटी मोड। मेजोरिटी मोड में क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं हर एक पॉइंट पे अपनी अपनी वोट देते हैं, तो जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट किया है, प्रेफर किया है, उसको पसंद किया है, वो चाहते हैं कि उस पॉइंट पर सॉल्यूशन आए, उस पॉइंट को वो सही मानते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेजोरिटी वोट। इफ मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप मेंबर्स एग्री टू द डिसीजन अराइव्ड एट, इट इज़ कॉल्ड मेजोरिटी वोट। तो मेजोरिटी वोट ये हो जाता है। तो ये दो मेथड हो गए, कंसेंसस मोड और मेजोरिटी मोड। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहला है डायग्नोज द प्रॉब्लम, फिर है डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स, फिर इवेलुएटिंग द अल्टरनेटिव्स, और फिर है इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग द डिसीजन। सबसे पहले प्रॉब्लम को डायग्नोज करेंगे, फिर उसके लिए अल्टरनेट डेवलप किए जाएंगे, सॉल्यूशंस के अल्टरनेट देखे जाएंगे, फिर उसको इवेलुएट किया जाएगा अल्टरनेटिव्स को, और फिर जो सबसे अच्छा सही अल्टरनेटिव्स होगा उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसको बाद में फिर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेज क्या है ग्रुप डिसीजन मेकिंग के। सबसे पहला एडवांटेज है कि कंपेयर टू एन इंडिविजुअल द ग्रुप जनरली हैव अ ग्रेटर नॉलेज एक्सपर्टाइज एंड स्किल बेस टू मेक बेटर डिसीजंस। दूसरा है लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स प्रोवाइड मोर पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम। विद द लार्जर नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर द पार्टिसिपेशन ऑल्सो इंक्रीजेज दैट हेल्प्स रीच क्वालिटी डिसीजंस। फॉलोइंग इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन कंप्रिहेंशन ऑफ फाइनल डिसीजन अराइव्ड एट इट्स यूजुअली हाई। ओके, तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हुए। बेनिफिट्स के बाद हम इसमें देखते हैं कि वो कौन सी टेक्निक्स है जिनके थ्रू ग्रुप डिसीजन मेकिंग की जाती है। सबसे पहला ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि लोगों से कोई जो है एक प्रॉब्लम दी जाती है और सब उसमें अपने आइडियाज़ रखते हैं, ठीक है, तो उसके ये विधि कहलाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, और इसमें जो सही सॉल्यूशन होता है उसको चूज़ किया जाता है। एक होता है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको मालूम नहीं होता है एक दूसरे के बारे में, और उनको हम अल्टरनेट देते हैं और उसमें वो अपना प्रेफरेंस देते हैं, तो रैंक देते हैं प्रेफरेंस इस तरीके से, जो सही सबसे सही होता है उसको फिर उसमें चूज़ कर लिया जाता है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। फिर डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक में क्या होता है कि इसमें हम एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं, एक्सपर्ट्स जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं उसको मान लिया जाता है। एक होता है कंसेंसस मैपिंग। इसमें प्रॉब्लम दी जाती है मेंबर्स को और उनसे आइडियाज़ लिए जाते हैं सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, और फिर उनको एक तरीके से कलेक्ट करके इकट्ठा करके उसमें से बेस्ट को चूज़ किया जाता है। ओके, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।